और मैं पिछले 10 दिन से लगातार कांग्रेस को 3 चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन वो मौन रख करके बैठ गए हैं। मेरा पहला चैलेंज है कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन वाले देश को लिखित में विश्वास दें कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण में, संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा मेरा चैलेंज है, ये लिखित में देश को वादा करें कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर किसी को भी नहीं बांटेंगे। मेरा तीसरा चैलेंज है, वो लिखित में दे, जहां इनकी राज्य सरकारें हैं वहां ओबीसी का कोटा काट करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मेरी 3 साफ साफ मांग है भाई, मेरी चुनौती है उनको, मेरी चैलेंज है। 10 दिन हो गए मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं और पैर कांपने लगे हैं, जवाब क्या दें? और इसलिए देश के हर एससी एसटी ओबीसी को ये एनडीए गठबंधन के इरादों से सावधान रहना है। ये आपको सजा देने के मूड में है, आपके पास जो है वो लूटने के मूड में है। साथियों, मोदी जिंदा है ना, तब तक मैं लूटने नहीं दूंगा। मेरे दलित आदिवासी ओबीसी भाई मुझ पे विश्वास करे, मोदी जिंदा है वो आपका हक की एक भी चीज लूटने नहीं देंगे।